नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो चरखी दादरी से आ रही है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव आज है। प्रधान सहित सभी पदों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला आज रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। बार के 463 सदस्य वोट डालेंगे। मनोज वर्मा पहले से ही संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो जिला बार एसोसिएशन के चुनाव आज होंगे और चुनाव में उप प्रधान पद के लिए महिला उम्मीदवार भी मैदान में उतरी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की चरखी दादरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर जिला बार एसोसिएशन के आज चुनाव होंगे। प्रधान समेत सभी पदों के लिए त्रिकोणीय ये मुकाबला रहेगा और मनोज वर्मा पहले से ही संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप साहू हमारे संवाददाता चरखी दादरी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज जो चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए फिल्म, जिस तरह से जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है, यहाँ पर प्रधान पद के लिए, इसके अलावा उप प्रधान के लिए या अन्य पदों के लिए हर इसमें त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। हालांकि उप प्रधान पद के लिए एक महिला उम्मीदवार भी मैदान में है, और जबकि संयुक्त सचिव का जो पद था, मनोज वर्मा पहले से ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और ये जो प्रक्रिया है चुनाव की, जो प्रक्रिया 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी, और यहाँ पे जिस तरह सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, वहीं जो उम्मीदवार हैं वो अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पिछले काफी दिन से जुटे हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। 463 सदस्य वोट डालेंगे बार एसोसिएशन के लिए। ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिला बार एसोसिएशन चरखी दादरी के आज चुनाव रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रधान समेत सभी पदों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा।